दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सभी सज्जनों का, सभी भाइयों का, बड़ों का, छोटों का सादर अभिनंदन है। मैं सबकी मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज बुधवार का दिन है दोस्तों, और प्रतिपदा का अवसर है। आज से कृष्ण पक्ष शुरू हो गया दोस्तों, तो उसी अवसर पर श्री तुलसीदास जी ने अपने पिछले वृत्तांत में तुलसीदास जी ने वाल्मीकि और व्यास जी जैसे मुनियों के अनुसरण मुनियों का अनुसरण करने की इच्छा जाहिर की है, और उसी मार्ग में चलने की प्रेरणा उन्होंने अपने जीवन के लिए सार्थक बताया है। उन्होंने यही प्रयास किया है कि हाँ कि मैं रामचरितमानस की मर्यादा के अनुसार वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार से अपार ज्ञान प्राप्त करके रामचरितमानस की रचना की, और उसी मार्ग को व्यास जी ने इतने बड़े ग्रंथ लिखे, तो उन्हें सरस्वती का वरदान प्राप्त हो गया था। सरस्वती की अनुकंपा से उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया। उसी मार्ग पर वो अभी चलना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा दोस्तों, अति अपार जे शरीर बरो जो नित कराए चढ़ी पिपी लिखा हूँ परम लघु बिनु श्रम पाऊ। यानी जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ यानी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, यदि यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, राजा अगर बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बांध देते हैं कि पार जाने के लिए आर पार जाने के लिए पुल बांधा जाता है, जब नदियों को पार नहीं किया जाता है तो नदियों में पुल बांधा जाता है, तो छोटी छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इतनी छोटी छोटी नदियाँ हैं, नदियाँ बड़ी हैं, उन नदियों को भी छोटी छोटी चींटियाँ चढ़ करके पार कर जाती हैं। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सारे मैं भी रामचरित वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यानी वाल्मीकि जी को कुल की संज्ञा दी है, वाल्मीकि जी को कुल की संज्ञा दी है और अपने को एक कीर्ति के समान समझ रखा है। यानी अगर वाल्मीकि जी एक पुल को पार कर सकते हैं, व्यास जी पुल को पार कर सकते हैं, जो राजा के द्वारा निर्मित होता है, अनेकों लोग जिसमें काम करते हैं, तो अपने को चींटी समझ के उन्होंने कहा जिस प्रकार चींटी पुल को पार कर लेती है, मैं भी सहज ही राम जी के गुणों का बखान कर सकता हूँ और मेरे अंदर भी ये ज्ञान आए हैं, मैं इसके लिए भरसक प्रयास करूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई करियो रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुलर भगवान। दोस्तों, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर अगर हम अपने मन में किसी चीज़ को लक्ष्य बना देते हैं और किसी कार्य को करने के लिए अपने अंदर भाव पैदा कर सकते हैं, तो सहज ही जिस उसी प्रकार तुलसीदास जी ने अपने मन में भाव पैदा की और श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना का वर्णन करने का संकल्प ले लिया और कहा कि और व्यास आदि व्यास जी और वाल्मीकि जी जो अनेकों श्रेष्ठ कवि उनसे पहले हो गए थे, जिन्होंने बड़े बड़े आदर के साथ श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, उस वर्णन को मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करने की कोशिश करूँगा। यानी अगर एक चींटी इतने बड़े पुल को पार कर सकती है तो मैं इंसान हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चरण कमल बंधो तिनकीरी पूर्वाऊ सकल मनोरथ वेरी कलिके कभी न दिन पा परनामा जिन करनी रघुपति गुण मामा। यानी मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया, जिन्होंने हमको मार्ग दिखाया, जिन्होंने हमको आगे को बढ़ने की प्रेरणा दिखाई, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें, यानी मेरी मनोकामना जो है उनको वह पूरा करेंगी। इस कलयुग में भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ, इस कलयुग में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं कलयुग में भी उनका आगमन हो और उनकी उनका उन उनकी सरस्वती का आगमन हो और उनके अंदर इस प्रकार के सब आदमी में भाव पैदा हो, मेरे अंदर भी वैसे भाव पैदा हुए जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। इतना बड़ा विशाल
रामचरितमानस की जिन्होंने रचना की उनका फिर से मैं स्वागत करता हूँ, यानी उन्हीं के चरण कमलों में चल करके मैं आगे चढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने अपने लक्ष्य को साध लिया, लक्ष्य को साधने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प के अनुसार अपने कार्य को करना शुरू किया और पूरी रामायण रामचरितमानस का पूरा सुहावना वर्णन उन्होंने किया। जे प्राकृत कवि परम सयानी भाषा दिन हरि चलि बखानी भई जे अहिसी हुए ही आगे प्रणऊ सब ही कपट सब त्यागे। यानी जो बड़े बुद्धिमान और प्राकृत कवि हैं, जे प्राकृत कवि परम सयानी यानी बहुत ही बुद्धिमान हैं, प्राकृत हैं यानी परंपरागत हैं, भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जिन्होंने अपनी भाषा में भगवान की चरणों का गुणगान किया है, वे ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे उन सबको मैं सारा कपट साध कर प्रणाम करता हूँ। अपने अंदर जो भी मेरे अंदर कपट है, जो भी बुरी भाव है, मेरे अंदर कोई अहंकार है, कोई गलत भाव है, तो मैं उन भावों को अपने अंदर से त्याग करके, उनका परित्याग करके उनको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की यातना उन्होंने अपना संकल्प लिया। हो यु प्रसन्न देहूँ बरदानू साधु समाज मानित सन्मानू जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही सो सम बाल कभी कर ही। यानी आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज मैं मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। यानी जिस कविता का आदर नहीं करते हैं बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। यानी अपने को उन्होंने इस प्रकार की रचना दी है, सबसे यातना की है कि मैं जो भी कहूँगा जो भी लिखूँगा उसको सार्थक समझिएगा, मैं अपना प्रयास करूँगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आगे का वर्णन है कि रति भनिति भूति भलि सोई सुर सरि समी राम सुकुति भनित भलीसा असमंजस असमोही भलीसा। यानी उन्होंने कहा है दोस्तों, कीर्ति है, कविता है और संपत्ति, यही वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली होती है। आदमी के पास यश होता है, कीर्ति होती है और कविता होती है, कविता में भाव होते हैं। आज किसी भी व्यक्ति विशेष को, मानव मात्र को आगे खींचने के लिए कविता से प्रेरणा मिलती है, और जो आदमी कीर्तिवान होता है, यशवान होता है, और संपत्ति, जो संपत्ति जिनके पास होती है, जो संपत्ति का सदुपयोग करना चाहते हैं, सदुपयोग करते हैं, संपत्ति को सही दिशा में लगाते हैं, संपत्ति का संग्रह नहीं करके उसको दान में लगाते हैं, अच्छे कार्यों में लगाते हैं, पुनीत कार्यों में खर्च करते हैं, तो वह गंगा की तरह, गंगा जिस प्रकार गंगा की नदी का पानी पूरे विश्व के काम आ रहा है, पूरा विश्व उस जल को पीता, उस निर्मल जल को पीता है, तो गंगा की तरह यानी उनका हर तरह उनका हित करने वाली होती है। जिस प्रकार गंगा हमको पवित्र बनाती है, गंगा हमें बिना किसी दाम के अपना जल देती है, हम जल पीते हैं, गंगा में पवित्रता है, गंगा पवित्र की द्योतक है, तो कीर्ति है, कविता है और संपत्ति है, इन सब चीज़ों का अगर हम सदुपयोग करते हैं तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार बहती हुई गंगा है। गंगा से अनेकों लोगों का कल्याण होता है, जल भी मिलता है, उनके पाप भी धुलते हैं, अनेक प्रकार की पवित्रता उनमें आती है, सच्चा ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने इस बात का संकल्प लिया और अपने मन में लगातार इन बातों को बनाने के लिए, अपने भावों को भरने के लिए, रामचंद्र जी की कीर्ति में बड़ी सुंदर सबका अनंत कल्याण करने वाली है। यानी रामचंद्र जी का जो मर्यादा है, उनके व्यक्तित्व का बखान करना है, वह सबके लिए कल्याणकारी है। और परंतु मेरी कविता, फिर भी वह कहते हैं कि मेरी कविता भक्ति है, मेरी कविता को सुनिएगा और अपने को, वह असमंजस्य असमंजस्य है, यानी उसमें असमंजस्य है, सामंजस्य नहीं है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता है, इसी की मुझे चिंता है। यानी वह कहते हैं कि मैं अपने लक्ष्य को तो बना रहा हूँ, लेकिन
उनको यही है, कोई भी इंसान अगर सज्जन आदमी होता है वह किसी कार्य को करता है, वह कार्य को करने से उसकी दशा और दिशा क्या होगी, उसका परिणाम क्या होगा, और इस प्रकार वह सभी लोगों से पहले ही उस कार्य के बारे में मैं इसको प्रारंभ करने जा रहा हूँ, उसके लिए अपना सभी का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने सबके सहयोग से अपनी कविता को आगे रखने का प्रस्ताव रखा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरी सियन स्वाव निताल बटोरी, यानी परंतु हे कवियो आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, यानी रेशम की सिलाई टांट पर भी सुहावनी लगती है। अगर हम खाली टांट का कपड़ा होता है, टांट जो कुल उससे बनता है, साधारण कपड़ा बनता है जिससे बोरे बनते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें उसमें पैक की जाती हैं, तो वह दिखने में अच्छा नहीं होता है। अगर उसमें हम रेशम सुहावनी रेशम का कीड़ा रेशम बनाता है, उस रेशम में सौंदर्य होता है, सुंदरता होती है, सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है, तो दोस्तों उस रेशम की सिलाई अगर हम टाट में भी करते हैं वो भी अच्छी लगती है। यानी अपने को उन्होंने टाट बताया है, टाट के समान बताया है, और रेशम भगवान की रचना को रेशम का रूप दिया है। दोस्तों इस बात को समझने की जरूरत है, तुलसीदास जी ने अपने को टाट बताया है, यानी ये टाट जो है अगर रेशम में भगवान की कृपा अगर इस टाट के ऊपर हो जाएगी, यानी रेशम में अगर टाट में अगर रेशम की कताई की जाएगी तो वह भी सुंदर लगने जाएगी। तो इसी प्रकार राम के नाम रामचंद्र के नाम को लेकर के अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो मैं टाट टूटी जो तुलसी हूँ वह भी जो है सुंदर सौंदर्य यानी मेरे ऊपर भी ज्ञान प्राप्त होगा, सरस्वती की अपार कृपा होगी और मैं भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ और अपने संकल्प को पूरा कर सकता हूँ। इस प्रकार की अपेक्षाओं को लेकर के उन्होंने रामचरितमानस का अनुवाद करके रामचरितमानस को आम जनता के आगे रखा। सरल कवित की रति विमलौ सोई आदरि सुजान, सहज बयर विसराय रिपु जो सुनि करि वरदान, बखान सियावर रामचंद्र। यानी चतुर पुरुष, यानी जो सरल कवित की रति विमल, जो चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल, जो चतुर होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, यानी अपनी भाषा अपने स्वभाव से जो वास्तविक ज्ञान को जानते हैं, तो वह कविता का जो सरल पुरुष हो चतुर पुरुष होते हैं उसी कविता का उसी वह लोग जो हैं उसी कृपा उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, यानी जो समझने में आ जाए, जिसका भावार्थ सही हो, हर प्रकार का आदमी उसको समझ ले, तो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, यानी स्वच्छ स्वच्छंद साफ सुथरा चरित्र का जिसमें वर्णन हो, तथा जिसको सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है, हम कोई भी रचना करते हैं, किसी के आगे कोई प्रस्ताव रखते हैं, किसी भी बात को समाज में फैलाते हैं, तो हमारी बातों में जितना सौंदर्य होगा, जितनी भावनाओं से भरा होगा, जितना माधुर्य होगा, जितनी अच्छाई होगी, उस अच्छाइयों को सभी लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, सरल से सरल आदमी भी उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो तुलसीदास जी ने यही कोशिश की है कि सरल से सरल व्यक्तित्व मेरी कविता को सुने, जो विद्वान लोग होते हैं उनकी कविता चतुर पुरुष उसी कविता का उसी प्रकार का, जो विद्वान लोग होते हैं जिनमें चतुराई होती है, जो आदि अंत जानते हैं, वो उसी प्रकार का आदर करते हैं, उसी कविता का आदर करते हैं, उसी मनुष्य का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन करने की इच्छा हो, जिसे सुनकर शत्रु में भी अगर हम कोई बात बोलते हैं अगर उसमें अच्छाई होगी, कोई हमसे अगर अंतर्मन से विरोध करता हो, नहीं भी जानता हो, या हमसे अंतर विरोध रखता हो, तो अगर हमारी बातें में सौंदर्य होगा, सुंदर होगा, सुहावनापन होगा, उसको जो है हमारा जो शत्रु हो की संज्ञा जिसको दी है, जो आपसे बैर करना चाहता है, आपसे दूर रहना चाहता है, तो वह भी उसके गुणगान करेगा, यानी शत्रु भी उसका गुणगान करेगा। ये ऐसा भी समय आता है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, शत्रु भी मित्र बन जाता है। शत्रु तो हम लोग
हमारे स्वभाव से बनता है, हम जैसा स्वभाव करेंगे उसी प्रकार होंगे। नहीं तो सारा पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम है, सब एक समान है, सब किसी में कोई अंतर ही नहीं है। सो न होई बिनु विमल मति मोई पति बल, मोई मति बल अति थोर, करहुं कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहुं निहु। देखिए कितना बढ़िया है, ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। यानी अपने को वह अफसोस रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत कम बुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि को पाने के लिए रामचरितमानस की आगे को रचना करने के लिए मैं किस प्रकार का कठिन करूँ। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ, बार बार अनुरोध करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ कि हे कवियो, हे मुनि, हे बुद्धिजीवी लोगो, हे सुहावने लोगो, हे चतुर लोगो, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं, या भगवान के यश का वास्तविक वर्णन कर सकूं जैसा कि आप लोग चाहें। मैं ऐसा प्रयास करने की सोच बनाता हूँ। कवि को विद रघुबर चरित मानस मंद मराल, बाल विनय सुनि सुरित लखी मोह पर हो कृपा। यानी कवि और पांडित्यगण, पंडित जो गण जो पंडित करते हैं, पंडिताई करते हैं, जिनको ज्ञान होता है, जिनको ज्योतिष का ज्ञान होता है, जो आदि अंत के बारे में जानते हैं, भविष्य के बारे में जानते हैं, तो आप जो श्री रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, यानी उनको मानसरोवर रामचरित मानस की मानसरोवर, मानसरोवर मानसरोवर दोस्तों ऐसा होता है जहाँ से पानी का उद्गम होता है, पानी जहाँ से निकलता है उसको मानसरोवर करते हैं, वहाँ से पानी का उद्गम होता है, अनेक स्रोतों को पानी जाता है, तो वह स्रोत राम राम रामचरित रूपी स्रोत जो मानसरोवर है, और वह जो आप लोग जो कवि हैं जिन्होंने मेरे पहले रचना की, भगवान के बारे सौंदर्य का वर्णन किया, वह मेरे लिए हंस के समान है। हंस इसलिए कहा है, हंस दूध और पानी को अलग अलग करता है, यानी बुराइयों और अच्छाइयों को अलग अलग कर देता है। दूध और पानी का मतलब है पानी को बुराई का सूचक बनाया और दूध को अच्छा, यानी किसी भी चीज़ में दो चीज़ें मिली रहती हैं उसका अलग अलग विभेद करना, ये हंस इसको करते हैं, हंस कर सकता है। मुझे उसमें ये शक्ति होती है, ये गुण होता है, मुझ बालक की यानी मुझ गरीब की विनती सुन और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें, सभी लोग मुझ पर कृपा करें। और यानी उन्होंने रचना करने से पहले अनेक प्रकार के अनुनय विनय से भगवान राम जी के वास्तविक प्रसाद तक पहुँचने का वर्णन किया है। दोस्तों सब कहा है रामायण जही निर्मयऊ बंदऊ मुनि पद कन दोष रही दूषण सहित सखर सुकोमल मंद से आवर रामचंद्र की जय। यानी मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उन्होंने कहा कि जिन्होंने रामायण की रचना की, मैं उन वाल्मीकि जी की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, और जो खर माने होता है राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। यानी वाल्मीकि जो थे बचपन में बहुत ही कठोर थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत लंबी कहानी है, तो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि कोमल वह भी इतना कठोर आदमी भी इतना कोमल हो गया है, जिनके शरणों में जिनके पग चिन्हों में हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे शहीद होने पर भी और दोष से मेरे को जिस प्रकार उनका दोष हरण हुआ, उनको सरस्वती की माया का अपार भंडार उनके उनके शरीर में समा गया, उसी प्रकार मेरा भी शरीर आगे को मेरा भी शरीर वाल्मीकि के समान जाए। मैं वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुनि के चरण कमलों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्होंने रामायण की इतनी बड़ी रचना की और रामायण को उन्होंने संस्कृत में लिखा। दोस्तों उस समय संस्कृत का बहुत ही प्रचार था, तो हर चीज़ जो संस्कृत जो है विज्ञान का प्रादुर्भाव संस्कृत से ही मनाया जाता है, हमारी देव भाषा है वो दोस्तों। तो अनेक प्रकार की राक्षसी माया से वह मानव रूप या देवता रूप में परिणित हो गई, उसी प्रकार मैं भी यही कल्पना करता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ जिनके अंदर भगवान की इतनी बड़ी कृपा।
बंदरों तारियु बीज भवो वारि देवो शनि जिनही न सपने ऊँ खेद वर्णत रघुबर विशद जा। यानी बारिदि बोहित सरिसो बंद उचार्यू वेद भव वर्णत रघुबर विशद जसू जिनही न सपने ऊँ। यानी मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, ऋग्वेद सामवेद अथर्वेद सामवेद यजुर्वेद। यानी मैं चारों वेदों की रचना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है। वह हमारे लिए, अगर हम समुद्र को पार करना चाहते हैं, हमारे लिए जहाज का काम करता है। यानी मुनियों का ज्ञान जहाज का काम है और समुद्र जो है वह यानी संसार के पार होने के लिए हमको भवसागर रूपी नाव की जरूरत होगी। और तब तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करती स्वप्न में भी खेद और थकावट नहीं होती है। यानी वह लगातार निरंतर भगवान राम जी का इस प्रकार से वर्णन किया और एक भी चीज़ की उन्होंने चूक नहीं की, उसका इस प्रकार से रहस्य किया कि कहीं पर भी कोई आदमी उसका चूक नहीं निकाल सकता है। इस प्रकार का वर्णन करना, मैं चारों वेदों की इस प्रकार उन्होंने कहा कि मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जिन्होंने इतने बड़ी रामचरितमानस की रचना में अपना योगदान दिया, उसके लिए मैं उनका कृतार्थ हूँ। तो बंदऊँ विधि पद रेन भवो सागर जही कान सागर जही कीन जहाँ संत सुधा शशि रेणु प्रगटे खल खल विष बारुणी। यानी मैं ब्रह्मा जी के चरण रस की वंदना करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु वही ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता हैं और जिन्होंने भवसागर को बनाया था, इस संसार रूपी महानाट्यशाला की रचना की, सृष्टि की रचना की। तथा भी जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। यानी जब समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ विष निकला और दूसरी तरफ से यानी कामधेनु चंद्रमा अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले। अमृत जो है अमृत स्वयं अमृत पीने से आदमी अमर हो जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। चंद्रमा जो है अपना स्थिर होते हैं और वह जो है सुंदरता के द्योतक हैं। कामधेनु गाय जो है लगातार इतना दूध देती है राम राज बैठे दुर्लो का भय गयो सब सो का। कामधेनु गाय उन्हीं के साम्राज्य में थी और उस प्रकार कामधेनु गाय कहा गया है जो जितनी इच्छा हो उतना दूध दे सकती हैं, वह कामधेनु गाय की एक गुण है, क्वालिटी है। और दूसरों ओर दुष्ट मनुष्य रूपी यानी समुद्र से दुष्ट मनुष्य रूपी विष निकला और मदिरा निकला। एक तरफ विष निकला जब समुद्र मंथन किया, दूसरी तरफ अमृत चंद्रमा और कामधेनु जैसी चीज़ें मिली। तो उस प्रकार की इसी प्रकार मेरी जो रचना है, मैं जो रचना करूँगा वह सज्जनों को उसमें दुष्टता खत्म हो, उसमें सज्जनता हो, उसमें अच्छाई हो, सबके मानव कल्याण के लिए हो, मानव कल्याण का जीवन सार्थक हो। इस प्रकार की रचना, इस प्रकार के भाव उन्होंने प्रकट किए हैं। दोस्तों, अपने को समुद्र अपने को अमृत का पान अमृत के समान लोगों को उसका फायदा हो। यानी मेरी रचना से अगर मैं आगे रचना करूँगा तो उसमें लोगों को अमृत है, कामधेनु है और चंद्रमा जैसी चीज़ें प्राप्त हों और विष जो है दूर हो, उसको खत्म हो। यानी अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आए। विबुध भी प्रबुध ग्रह चरणों बंद करो कर जोर हो प्रसन्न परवहु सकल मंजु मनोरथ। यानी देवता है विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, यानी देवता है विप्र माने ब्राह्मण हैं और बुध पंडित हैं, ग्रह हैं। मैं इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। मैं सबकी याचना करता हूँ कि मैं जो भी रचना करूँगा तो जो भी देवता हैं, ब्राह्मण हैं,
और पंडित हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, और जो ग्रह हैं, नौ ग्रह होते हैं, तो नौ ग्रह हैं, ये सभी लोग मेरा साथ दें। इन सब के सौजन्य से इनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। इनके सौजन्य से मैं हमें आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, और ये मेरा साथ दें, और जिससे मेरी रचना में माधुरी आए, प्रसन्न हूँ, सब लोगों को ज्ञान मिले, यानी मेरे कहने से कहीं भी त्रुटि ना हो। तो वह पहली आराधना करते हैं, देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब से वह सबके चरणों की वंदना करते हैं। दोस्तों, मुनि पुनिबंद शारद सुर सहिता जुगल मुनि मनोहर सहिता मंजन पान पाप पर एका कहत सुनत ए एक हर अभिवेका। यानी फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। गंगा जी को देव नदी का कहा गया था है। गंगा जी का शिव जी की जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई और गंगा का उदय हुआ, तो मैं सरस्वती माता जो ज्ञान की प्रतीक हैं, ज्ञान विद्या और ज्ञान की प्रतीक हैं, मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। इसके बाद मैं इनकी वंदना करता हूँ, और दोनों पवित्र और मनोरथित्व वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हटती है, जहाँ एक और गंगा जी स्नान गंगा जी पर स्नान करने अनेक प्रकार के हमारे पापों का नष्ट हो जाता है, हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। दूसरी ओर सरस्वती गुण और यश कहने और सुनने में अज्ञान का नाश कर देती है। यानी गंगा जी और सरस्वती ये दोनों क्या होते हैं, सरस्वती जो है जिनके गुणों का और यश को सुनकर कहे हम अज्ञान का नाश हो जाता है, और गंगा जी में अगर हम उनका जल पीते हैं, गंगा जी का जल पीते हैं, उसमें स्नान करते हैं, तो हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है, पापों का अंत हो जाता है। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासी अभी की हित निरुपाधिकार विविधुल की। यानी श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, और मैं दीन बंधु और नीति दान देने वाले सीतापति श्री राम जी के सेवक स्वामी और सखा और मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। यानी भगवान उन्होंने एक तरफ जहाँ महेश पार्वती जी को प्रणाम किया, दूसरा गुरु और उनको माता पिता की संज्ञा दी, और दीन बंधु भगवान का नित्य सीतापति श्री राम जी के सेवक और स्वामी बनने का प्रयास किया, और इसी प्रकार उन्होंने उनकी उनका बखान किया। उनके तुलसीदास जी ने इस प्रकार कपट रहित सच्चा हित करने वाले वाला बनने की कोशिश करने की का प्रयास किया। कली बिलोक जग हित गिरिजा सावर मंद जल जिन गिरिजा अनमिल आखिर अरथन वा जापू प्रकट भयऊ महेश प्रतापू। यानी जिन शिवजी पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, संसार की भलाई के लिए, संसार के हित के लिए शिव और पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की। जिन मंत्रों के साबर मंत्र समूह का मतलब है, इन मंत्रों से अक्षर बेमल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ है और न जब ही होता है, अर्थात शिवजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, शिवजी का ऐसा प्रभाव है जिनसे उनका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखता है। जो उमेश मुहि पर अनुकूला करें कथा मुझ मंगल मूला सुमेर शिवा शिव पाय सारू प्रणव राम जयित राम। यानी वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों ही स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करूँगा। यानी निर्मल मन से, स्वच्छ मन से, यानी स्वतंत्रता से मैं भगवान के चरित्र का वर्णन करूँगा, अगर वह मेरे को साथ देंगे, अगर उनकी अनुकंपा मेरे ऊपर होगी। भनि ति मूल शिव कबा विवाती सश्रमान मिल बनो सुराती जे यही का कथही स्नेह समेता करे हूँ सुने हूँ समुझ सचेता हो यही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी।
यानी मेरी कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित हो जैसी तारागणों से सही चंद्रमा के साथ साथ रात शोभित होती है। जितने भी तारागण होते हैं तारागणों के टिमटिमाते रहते हैं और चंद्रमा की शोभा उन्हीं से विद्यमान होती है। उसी प्रकार इन सब लोगों की अगर मेरे पास प्रकार होगी तो ये भगवानों की शिव जी की पार्वती की जो भी अंतर्यामी हैं भगवान राम की मेरे पर कृपा होगी ये मैं जिस प्रकार से तारागणों में चंद्रमा की शोभा चंद्रमा सुशोभित होता है चंद्रमा आलोकित रहता है अच्छा दिखता है तो इसी इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझबूत कर कहें और सुनेंगे। हे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री राम जी के चरणों की प्रेमी का प्रेमी बन जाएंगे। यानी जिनको इस प्रकार के भावों की यानी शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे शिव जी की अगर हमारे ऊपर कृपा होगी जैसे तारागणों में से चंद्रमा के साथ तारागणों की तारागण रात्रि में अंधेरे में सुशोभित होते हैं इसी प्रकार इस कथा को प्रेम सहित एवं साधनी के साथ समझ बूझ कर कहें और सुनेंगे। हम कहेंगे सुनेंगे उसको भाव समझेंगे उसको समाज में रखेंगे तो कलयुग के समस्त जितने भी पाप हैं उनको सुंदर कल्याण के भागे होंगे। सब लोगों को उसका ज्ञान मिलेगा। कलयुग को हम आराम से पार करेंगे। हमको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और श्री राम जी के चरणों के हम प्रेमी बन जाएंगे और हम वास्तविक मानवता के भागी हो जाएंगे। हमारे अंदर मानवता के भाव आने लगे। सपने हूँ सोच रही मोई करो जो हरे गौर प्यार तो पूरे हो जो करा हूँ सब भाषा भनित प्रभाव। यानी यदि मुझ पर शिवजी और पार्वती की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो यानी शिवजी और पार्वती जी गौरा जी का अगर मेरे ऊपर सचमुच ही स्वप्न में भी सचमुच कोई प्रसन्नता हो तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव का है वह सब सत्य यानी वह आगे को सत्य विद्यमान यानी मेरी भाषा में किसी प्रकार का दोष न रहे। इसीलिए मैं भगवान श्री शिव जी और पार्वती जी का वंदन करता हूँ। मैं श्री राम जी का गुणगान करने के लिए सभी का वंदन करता हूँ ताकि मेरे कंठ से किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जिस प्रकार एक राजा है राजा पुल बांधते हैं पुल बांध करके उसमें एक छोटी सी चींटी है वह भी उस पुल से पार हो जाती है यानी वह पुल हमारे लिए वह उनकी उनका उनका शरीर उनका सौंदर्य उनका उनके कार्यों की परिणति एक पुल के जैसे का पुल का जैसा कार्य किया है हमारे लिए उन्होंने पुल का निर्माण किया है। उस पुल में हमको एक छोटी सी चींटी के समान चल करके आगे चलना है और अपने को मोक्ष प्राप्त करना है। इस बात के लिए तुलसीदास जी ने आज के प्रकरण में तुलसीदास जी ने ये प्रकरण किया है अपने को चींटी का रूप चींटी के समान समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और कोई मान रामचरितमानस का सुंदर वर्णन करने के लिए उसका यथार्थ वर्णन करने के लिए सापेक्ष रूप से हर चीज़ को मानव समाज के आगे रखने के लिए अनेक प्रयास करने का प्रयास किया है। पहले ही उन्होंने अपने वंदन को अपने गुरुजनों को और अपने शिवजी जो सृष्टि के कर्ता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के कर्ता हैं उनको उनका वंदन किया है और गंगा जी के समान अपने को पवित्र बनाने की कोशिश की है। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबका अभिनंदन करता हूँ। तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से अपने ज्ञान की नदी को संसार में मानव समाज के सामने स्पष्ट रूप में व्याख्यित करने की कोशिश की है उसके लिए अपने जो पूर्वज हैं जो मुनि हैं और भगवान हैं उनका आश्रय लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा से हमको अभिप्रेरित किया है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार से अपनी वंदना की है। और दोस्तों हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के लिए इसी प्रकार से अपने जो सज्जन होते हैं जो समाज में अच्छे लोग होते हैं जो विद्वान लोग होते हैं जो
श्रेष्ठ मुनि होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, जो ज्ञान के पिपासु होते हैं, उनके सानिध्य में रह करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके आदि अंत को सोच करके और उसको उसकी भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए पहले से ही उसकी उसकी नींव को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी हम एक अच्छे और समाज को सुधार सकते हैं, समाज में अच्छाई ला सकते हैं। भाव अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने गुणों से, अपने स्वाभिमान से, अपने बल से लोगों का मन जीतने का जिस प्रकार तुलसीदास जी ने अपना वर्णन किया है, वो उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। और आज के ब्लॉग में दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा, मेरी वाणी अच्छी लगी, मैंने जिस प्रकार से तुलसीदास जी का वर्णन किया, वो अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएँ। मैं तो इसी प्रकार फिर से किसी दूसरे ब्लॉग के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। और सभी का, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा सादर नमस्कार। मैं सभी भावी पीढ़ी को भी यही कहता हूँ कि हमको आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने सानिध्य में अच्छे लोगों की संगत में रह करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जो भी हमारे हमको जो सरस्वती का वरदान है, जो बुद्धि है, विवेक है, जो विद्या हम पढ़ रहे हैं, उस विद्या का समुचित प्रयोग करके उनके लक्ष्य अपने लक्ष्य को पहुँचने से प्रयास करना चाहिए। अगर हम सच्ची विद्या लेंगे, सबके सबका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा, निश्चित ही हम अच्छे पायदान पर खड़े होंगे। और ये मेरे को मेरी भावी लोग भावी पीढ़ी से भी अपेक्षा है और उनको भी ये प्रयास करना चाहिए कि सज्जनों की सानिध्य में रहें और अपना जीवन अच्छा बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आज प्रतिपदा के और सावन मास की प्रतिपदा के और बुधवार के अवसर पर मैं सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ। सबका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, खुश रहे, अन्न रहे, सब लोग खुशी और प्रसन्नता से जीवन यापन करें और थोड़े में ही अपार हर्ष का एहसास करें और सादा जीवन उच्च विचार के लिए प्रयास करना चाहिए। यही इसी से हम मानवता मानव की कार्य करने चाहिए, मानव का हित करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने भावों से करें, विचारों से करें, सामाजिक कार्य से करें, आर्थिक कार्य से करें और धार्मिक कार्य से करें, किसी भी कार्य से आप समाज का हित कर सकते हैं। तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। अगर हर मानव में चेतना का संचार होगा, निश्चित ही हम तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से प्रयास किया, हम भी अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों को, अपने प्रयास तक पहुँच सकते हैं। सबका अभिनंदन, सबका अभिनंदन।